हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 में आव्यूह से। हम लोग बात कर रहे हैं आव्यूह के प्रकार की, जिसमें हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए हैं। आव्यूह कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रदर्शित किससे करते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये सब चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली है। हम आव्यूह के प्रकार की ही बातें करेंगे, उसमें थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि ये पीछे हमने एक थंबनेल लगा रखा है कि आव्यूह मैट्रिक्स कक्षा 12 बाय गोविंद सर। आज हम लोग कुछ और चर्चाएं करेंगे उसके विभेद या प्रकार की। जैसा कि एक है आपके सामने हमारे पास यहाँ पे, कह रहे रिक्त या शून्य आव्यूह। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में हमने बताया था कि यदि किसी आव्यूह में केवल, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति आव्यूह में हमने क्या बताया था, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही रो हो, उसमें स्तंभ ना हो, क्या हो, केवल रो हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, ऐसे आव्यूह को हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कैसे आव्यूह की हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें क्या हो, केवल पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। क्लियर। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह में क्या था भैया, कि केवल एक ही पंक्ति थी, कोई स्तंभ नहीं था, कोई स्तंभ नहीं था। इस प्रकार के आव्यूह को हम लोगों ने क्या बोला था, स्तंभ आव्यूह। इसको हमने बोला था रो मैट्रिक्स, इसको हमने बोला था कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोला था भैया, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। कॉलम में केवल एक कॉलम होता है, कोई भी रो नहीं होती है, ऐसे कॉलम को, सॉरी, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स को केवल कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अर्थात ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, पंक्तियां नहीं होती हैं, ऐसे स्तंभ को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्तियां नहीं होती है का मतलब भाई पंक्ति नहीं है, लेकिन काउंट नहीं करते हैं। एक स्तंभ के रूप में जब काउंट करेंगे तो पंक्ति को ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भैया इसमें तीन ठो पंक्ति है, इसमें तीन ठो स्तंभ है, लेकिन हम विशेषता किसकी देंगे, इस आव्यूह से निर्माण किसका हो रहा है, तो इस आव्यूह से निर्माण किसका हो रहा है, एक पंक्ति का। इस आव्यूह से किसका निर्माण हो रहा है, एक स्तंभ का, इसलिए इसे पंक्ति आव्यूह, इसलिए इसे स्तंभ आव्यूह। आई होप इतना आपको जरूर समझ में आया हो। क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े। दिख रहा है आपको, कोई समस्या किसी को, क्लास प्रॉपर चल रही है। चलिए देखिएगा, अब हम लोग बात करेंगे, हमारे पास है जो रिक्त आव्यूह। क्या है भैया, रिक्त आव्यूह। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह हो गया हमारे ख्याल से। अब चलिए हमारे पास कह रहे हैं कि रिक्त या शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, रिक्त या शून्य आव्यूह। आप भी थोड़ा ट्राई करिए, नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही। रिक्त या शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, तो रिक्त या शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है, रिक्त या शून्य आव्यूह वह आव्यूह होते हैं जिसके प्रत्येक तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। अर्थात यदि किसी एम एन आव्यूह का प्रत्येक तत्व क्या हो, शून्य हो। यदि किसी, एम क्रॉस एन का, एम क्रॉस एन आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, शून्य मतलब जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। क्लियर, बात समझ में आई। प्रत्येक, यदि किसी एम एन आव्यूह का प्रत्येक तत्व या के प्रत्येक तत्व, आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, तो उसे रिक्त या, शून्य आव्यूह कहते हैं, रिक्त या शून्य आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। क्लियर, शून्य में बड़ाऊ रहेगा, ध्यान देना।
रिक्त या शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक तत्व क्या होता है, जीरो होता है। रिक्त या शून्य आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें प्रत्येक तत्व शून्य होता है। क्लियर। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो इसे हम जीरो एम क्रॉस एन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे होगा कैसा, तो कुछ इस प्रकार का होगा जिसका प्रत्येक तत्व क्या है भैया, शून्य है। जीरो 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 या जीरो 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 ऐसा भी हो सकता है, जीरो 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 ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, ऐसा भी हो सकता है। यह भी आपका शून्य आव्यूह है, यह भी शून्य आव्यूह, और यह भी आपका क्या है, शून्य आव्यूह है। इस प्रकार का भी हो सकता है, तो यह क्या कहलाएगा, रिक्त या शून्य आव्यूह। तो वह आव्यूह जिसके प्रत्येक तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह। क्लियर। चलिए बात करते हैं अगले आव्यूह की। किसकी, अगले आव्यूह की। अगला है इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। क्लियर, इकाई या तत्समक, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वह मैट्रिक्स या वह आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो, वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व क्या हो भैया, इकाई हो। प्रत्येक तत्व इकाई, ब्रैकेट में वन हो, इकाई हो, तो ऐसे आव्यूह को, तो उसे इकाई या तो उसे इकाई या तस्तमक आव्यूह कहते हैं, कहते हैं। क्लियर, यानी वह आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व, सॉरी, मुख्य विकर्ण क्या हो भैया, जिसका मुख्य विकर्ण इकाई हो यानी वन हो, वह आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण क्या है, एक है, उसे क्या बोलेंगे, वह आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण इकाई या एक हो, ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, तो ऐसे आव्यूह को हम बोलेंगे इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। क्लियर, बात समझ में आई। जैसे बात कर लेते हैं कैसा होगा, तो कुछ इस प्रकार का होगा, वन जीरो, एक मिनट, वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई हो, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वह आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई हो और शेष सभी जीरो हो, और शेष सभी क्या हो भैया, जीरो। और शेष सभी तत्व शून्य हो, सभी तत्व क्या हो, शून्य हो, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अभी सही है, तो उसे क्या बोलते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह। जैसे आपके सामने है, जैसे कैसा हो, वन
जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। अगर ऐसा आव्यूह है तो इसे क्या बोलेंगे? इकाई या तत्समक आव्यूह। और कैसा हो? वन हो, जीरो हो, जीरो हो, वन हो, इस आव्यूह को क्या बोलेंगे? इकाई आव्यूह। या वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। इस प्रकार के आव्यूह को भी क्या बोलेंगे? इकाई या तत्समक आव्यूह। यह भी क्या कहलाएगा? इकाई या तत्समक आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक तत्व जीरो हो और मुख्य विकर्ण क्या हो? इकाई या एक हो। ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे? तत्समक या इकाई आव्यूह। क्लियर? चलिए, बात समझ में आई? अब बात करते हैं इकाई। इसमें जो विकर्ण आ रहा है बार बार, इसका मतलब क्या है? यानी मुख्य विकर्ण कहते किसे हैं? मुख्य विकर्ण किसे कहेंगे भैया? पहले बात कर लेते हैं मुख्य विकर्ण की। तो मुख्य विकर्ण किसे कहेंगे? मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, बाएं हाथ के बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं दाएं हाथ के निचले सिरे तक, नीच ले सिरे तक, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक, नहीं, बाएं हाथ के निचले सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। कंडीशन क्या है? कि वर्ग आव्यूह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ऐसा आव्यूह है जो वर्ग आव्यूह है। किस प्रकार का आव्यूह भैया? वर्ग आव्यूह है। ओके, दो तीन पांच छ सात नौ आठ एक जीरो। अब यह एक वर्ग आव्यूह हो गया, या यहां पर भी रख लेते हैं तीन सात चार पांच छ जीरो 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 जीरो। यह भी एक क्या है? वर्ग आव्यूह है। यह भी एक क्या भैया? वर्ग आव्यूह। क्लियर? जीरो। अब इसमें मुख्य विकर्ण है कौन? इसमें जो हमारा मुख्य विकर्ण है वह कौन है? इसमें हमारा मुख्य विकर्ण यह है। यह जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है? मुख्य विकर्ण है, जो दाहिने हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के निचले सिरे तक जा रहा है। या मुख्य विकर्ण कौन हो सकता है? तो मुख्य विकर्ण आपका हो सकता है यह व्यक्ति, यह वाला, जो बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, सॉरी, दाएं हाथ के ऊपरी सिरे से बाएं हाथ के निचले सिरे को जा रहा है। एक ठो मुख्य विकर्ण यह होगा और एक ठो यह होगा। यहां पर भी वही कंडीशन है। एक ठो मुख्य विकर्ण क्या होगा? तो एक मुख्य विकर्ण यह होगा, यह जो आपको दिख रहा है, एक मुख्य विकर्ण यह है और एक मुख्य विकर्ण आपको यहां दिख रहा है। दिख रहा है? ओके, या हम और दिखाना चाहें तो इसका जो मुख्य विकर्ण है, इसमें दो है, आठ है, सात है, एक और है इधर से, पांच है, आठ है और जीरो है। दिख रहा है?
यहाँ पर मुख्य विकर्ण 0 है, 7 है, 0 है, 0 है। यहाँ पर मुख्य विकर्ण 0 है, 6 है, 5 नहीं, हाँ 5 है, 5 है भैया। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 0 था, 5 है, यहाँ पर 0। क्लियर। यहाँ पर इस अवयव की बात करें, किसकी बात करें, इसकी बात करें तो मुख्य विकर्ण हमारा क्या था, इसकी बात करें तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण हमारा है 2, 8 और 7। एक था, दूसरा हमारा मुख्य विकर्ण क्या था, 0, 8, 5। 0, 8, 5। यहाँ पर हमारे पास दो मुख्य विकर्ण थे, कितने मुख्य विकर्ण थे, दो। कौन कौन, 2, 8, 7, 5, 8, 0। यहाँ पर मुख्य विकर्ण की बात करें, यहाँ पर मुख्य विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर आपका है सबसे पहले 0 है, क्या भैया 0 है, जीरो है, फिर 7 है, 0, 7, 0, 0, 0, 0। दूसरा विकर्ण 0, 6, 5, 0 या 0, 5, 6, 0, 0, 5, 6, 0। अर्थात एक बार मुख्य विकर्ण यह बन रहा है और एक बार यह बन रहा है, यहां पर भी एक बार मुख्य विकर्ण यह बन रहा है और एक बार यह बन रहा है। दिख रहा है आपको, यहां पर एक बार मुख्य विकर्ण यह प्राप्त हुआ, दूसरा यह प्राप्त हुआ, एक बार यह मिला और दोबारा यह मिला। क्लियर, बात समझ में आई। अब इस मुख्य विकर्ण पर जो उपस्थित तत्व है उसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण तत्व। इस मुख्य विकर्ण पर उपस्थित जो तत्व है, अर्थात जो भी हमने डाटा यहाँ पर आपको निकाल के बाहर दिखाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण तत्व बोलते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण तत्व। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि विकर्ण तत्व किसे कहते हैं, तो जो मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्व होता है उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण तत्व। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण पर उपस्थित उपस्थित तत्व को, मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्व को विकर्ण तत्व कहते हैं, विकर्ण तत्व कहते हैं। क्लियर, मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्व को क्या बोलते हैं, विकर्ण तत्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ले ले भाई, कहाँ है, परेशान कर रहा है यार, ले ले। जैसे 2, 8, 7 या 0, 8, 5 या 0, 7, 0, 7, 0, 0 या 0, 5, 6, 0। यही हमारे क्या है, विकर्ण तत्व है। क्या भैया, विकर्ण तत्व। समझ में आ रही है बात आप लोगों की, नहीं आ रही है, इतना बता दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ हो रहा है तो फिर ओके, ना हो रहा है तो नो। सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में लिखिए, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, सर जी नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि नहीं आ रहा है। क्लियर, चलिए अगले की बात करते हैं। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव तो हो गया यार, नहीं विकर्ण था ये, विकर्ण अवयव था, नहीं मुख्य विकर्ण था। अब हम लोग बात करेंगे विकर्ण अवयव की, चला जा भाई कहाँ हो गया तुमको, विकर्ण अवयव की। किसकी बात करेंगे, विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, विकर्ण अवयव वह अवयव होता है, कौन सा विकर्ण अवयव वह अवयव होता है या मुख्य रूप से किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य होते हैं, तो उसे या ऐसे वर्ग अवयव को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है, विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है चलिए
रिगार्ड ऑफ व्यू, डायरेक्ट लिखते हैं, वह विकर्ण ऑफ व्यू, वह ऑफ व्यू होता है, विकर्ण ऑफ व्यू, वह ऑफ व्यू होता है, विकर्ण ऑफ व्यू, वह ऑफ व्यू होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित, जिसमें मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्वों को छोड़कर, स्थित तत्वों को छोड़कर वह अभी होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। विकर्ण अवयव वह अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकर्ण तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 403 0300 005, ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव, या 100 010 001, ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे भैया, ऐसे अवयव को बोलेंगे विकर्ण अवयव। क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ऐसे विकर्ण अवयव को, सॉरी, ऐसे वर्ग अवयव को क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्वों को छोड़कर सभी तत्व क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। ऐसे वर्ग अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आई या नहीं आई? एक चीज और यहां पर अगर हम चाहें तो नोट पॉइंट करके लिख लें कि विकर्ण अवयव नोट में क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि विकर्ण केवल वर्ग अवयव में ही होता है। हाँ, ये चीज नोट करने योग्य है, थोड़ा कलर बदल लेते हैं। विकर्ण केवल वर्ग अवयव में ही, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में ही होता है, होता है। क्लियर, इसको आप नोट पॉइंट करके नोट कर लीजिए कि वह, सॉरी, विकर्ण किस में होता है, विकर्ण किस में होता है, स्तंभ अवयव में, पंक्ति अवयव में, आयत अवयव में? नहीं, विकर्ण केवल वर्ग अवयव में होता है। अगर वर्ग अवयव है तो उसमें विकर्ण अवयव होगा या विकर्ण होगा। क्लियर, और किसी में मुख्य विकर्ण या विकर्ण आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे या नहीं हो सकता है। नॉर्मली विकर्ण होता है, सब में होता है, वर्ग में होता है, आयत में होता है, समलंब में होता है, सब में होता है, जितने चतुर्भुज होते हैं सब में होता है। लेकिन हम अवयव की बात करेंगे तो अवयव में केवल वर्ग अवयव रहेगा, तो उसी में आपको विकर्ण देख सकते हैं या बता सकते हैं। इसके अलावा कोई और अवयव होगा तो उसमें आप विकर्ण नहीं दिखा पाएंगे। क्लियर, चलिए अगला।
अदिशाव्यूह। अब अदिशाव्यूह किसे कहते हैं? तो अदिशाव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है। अदिशाव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है, वह वर्ग आव्यूह होता है। अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी तत्व, जिसमें मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण पर उपस्थित उपस्थित सभी तत्व, सभी तत्व आपस में बराबर होते हैं। क्या होते भैया? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे आव्यूह को सदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर? यानी कह रहा है कि वर्ग आप सॉरी अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व आपस में क्या होते हैं? बराबर। ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। क्लियर? यानी जो मुख्य विकर्ण पर उपस्थित तत्व है, अवयव है, वह हर जगह क्या हो भैया? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। क्या कहते हैं? विकर्ण आव्यूह। ओके, यह हो सकता है 1034, 43, 4125621998 01। यह भी आपका क्या है? एक अदिश आव्यूह है। इसके अलावा 1 2 0 0 0 5 0 5 3, यह भी आपका क्या है? एक अदिश आव्यूह है। क्लियर? तो अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसका मुख्य विकर्ण पर उपस्थित सभी तत्व आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और शेष सभी क्या होते हैं? जीरो। एक मिनट। और शेष सभी क्या होते हैं? जीरो होते हैं। कहाँ है गड़बड़ हो रहा है यार? एक मिनट भाई, सॉरी। सभी तत्व आपस में बराबर होते हैं और शेष सभी तत्व शून्य होते हैं, शून्य होते हैं। क्लियर? एक लाइन छूट गया था, सॉरी। सभी बराबर होंगे और सब क्या होंगे? जीरो होंगे, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है। यह भी आपका एक क्या है? अदिश आव्यूह है। यह भी आपका एक अदिश आव्यूह है। यह भी आपका एक अदिश आव्यूह है। भी आपका एक अदिश आव्यूह है। क्लियर? ये रहा आपका क्या? अदिश आव्यूह। तो आई होप आज की क्लास में आपको
अदिश आव्यूह, रिक्त आव्यूह, मुख्य विकर्ण, विकर्ण तत्व, विकर्ण आव्यूह इतिसी, जो भी हमने आपको बताया है, समझाया है, चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। अगर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आया, उसको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और आव्यूह, कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।